एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल बी कॉन्फिडेंट। फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड गाइड बीके जी और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल बी कॉन्फिडेंट। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ठीक वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना पूरी तरह से मुफ्त यानी 100% फ्री है। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम गुआवा अमरूद के पेड़ पर एयरलाइन कैसे करें इस विषय में बात करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक ऐसे पेड़ का चुनाव करना होगा जिसके ऊपर अच्छी क्वालिटी के फल आते हों। मेरा ये पौधा है, इस पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी के फल आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे। आज हम इसी के ऊपर एयर लेयरिंग करेंगे। एयर लेयरिंग करने के लिए हमें सबसे पहले एक ऐसी ब्रांच का चुनाव करना होगा जो कम से कम हमारी छोटी उंगली जितनी मोटी हो या मैक्सिमम अंगूठे जितनी। तो मेरे इस पेड़ पर जैसे ये है, मैं इस ब्रांच पर एयर लेयरिंग करूंगा, ये परफेक्ट है। और उसके बाद हम इसके नोडल पोर्शन पे जहां से पत्तियां निकलती है ठीक उससे आधे सेंटीमीटर नीचे एक राउंड कट लगाएंगे। फिर इससे ठीक एक इंच नीचे दूसरा राउंड कट लगाएंगे। अब इन दोनों कट्स को मिलाते हुए एक सीधा कट लगाएंगे, इस तरह से सीधा कट लगाएंगे और फिर इस चाकू की टिप से हम इसको या अंगूठे के नाखून से इसको हटा देंगे, इसकी स्किन को इस तरह से। अब ये स्किन हमने हटा दी है। अब इसके नीचे हमें एक हल्की सी ग्रीनिश कलर की लेयर दिखाई दे रही है, इसे कैम्बियम लेयर कहते हैं। इसको हम चाकू से ऐसे स्क्रैच करके हटा देंगे। अब इसके बाद हम अपनी एक एलोवेरा की पत्ती लेंगे और इसके जेल को नोडल पोर्शन के ठीक नीचे ऊपर वाले कट के पास इस तरह से चारों तरफ लगाएंगे और फिर उसके बाद जो हमारा सोयल मिक्सचर है जिसकी हमने ये लगभग 1.5 इंच की बॉल बना रखी थी इसको इसके ऊपर लगा करके हाथ से ऐसे दबा करके चिपका देंगे। उसके बाद एक 5x4 की ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन लेंगे और इसको अच्छी तरह से रैप कर देंगे इस तरह से। रैप करने के बाद इसको किसी भी रस्सी या मोटे धागे से एयर टाइट करके बांध देंगे। फिर इसी को ऊपर ले जाते हुए ऊपर की तरफ से भी बांधेंगे। और इसको हाथ से ऐसे दबा करके सोयल मिक्सचर को चारों तरफ बराबर कर देंगे। एक बार बीच में से ही बांधेंगे ताकि सोयल मिक्सचर ब्रांच के कॉन्टेक्ट में रहे और जो एक्स्ट्रा रस्सी है इसको कट करके हटा देंगे। फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारी एयर लेयरिंग बंद करके तैयार हो गई है। अब लगभग एक महीने में इसमें रूट्स आ जाएंगी जो पॉलिथीन ट्रांसपेरेंट होने के कारण चारों तरफ आपको दिखाई देंगी और जब आपको लगे कि इसमें सफिशिएंट रूट्स आ गई हैं, तो हम इसको कट करके हटा लेंगे। फ्रेंड्स, इस पेड़ पर मैंने पहले भी एयरलिंग की हुई है, ये देखिए ये लगभग तैयार है, इसको आज हम कट करेंगे। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे ये मेरी पहली वाली एयरलिंग तैयार है। अब मैं इनको नीचे से कट कर लूंगा इस तरह से, अच्छी तरीके से रूट्स आ चुके हैं।
फ्रेंड्स इस प्रकार हमने अपनी तीनों कटिंग कट कर ली है और हम किसी भी शार्प नाइफ से इनके ऊपर की रस्सी को इस प्रकार से कट करके इनके ऊपर के रैक को हटा देंगे। अब हम कोई पैर या ग्रो बैग लेंगे और उसमें इसको ट्रांसप्लांट कर देंगे। फ्रेंड्स हमको अपने पर्यावरण के बारे में हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए और जितना हो सके अपने वेस्ट को रियूज करना चाहिए, इसलिए मैंने एक ही प्लास्टिक का डब्बा दिया है जिसमें बिस्किट वगैरह आते हैं और इसे मैंने नीचे बेलिंग और बना दिया है। फिर इसमें मैं सोयल मिक्सर को भरूंगा और इसको इसमें ग्रो कर दूंगा। और इसको एक सप्ताह के लिए शेड में रखेंगे। फ्रेंड्स अमरूद एक ऐसा पेड़ है जिस पर पूरे साल फल आते रहते हैं। अमरूद का फल हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। यह खाने में हल्के मीठे स्वाद का होता है तथा इसकी एक विशेषता यह है कि मीठा होने के बावजूद भी यह शुगर यानी डायबिटीज के रोगियों के लिए हानिकारक नहीं है, जबकि आम सेब केला जैसे दूसरे फल शुगर को बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स अगर आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को शेयर करें जिससे वे वीडियो में दिखाई गई सिंपल टिप्स का प्रयोग करके एयर लेयरिंग द्वारा अपना मनपसंद अमरूद का पौधा तैयार कर सकें। फ्रेंड्स वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।